पहले फोन रख लिया, फिर मेरी 40,000 की साड़ी खराब कर दी और ऊपर से मुझे ही खुददारी का लेक्चर। हम हमारी खुददारी रख लेते हैं और आपको आपकी दौलत मुबारक। रणवीर सुन छोरा, ये पैसे ना उस पार्लर में जाकर देकर आ। ले ले ले। अरे जाओ। फाइन जा रहा हूँ। सिर्फ आपकी वजह से आज मेरे घर में सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, उसके लिए थैंक यू। ये कुछ पैसे हैं, मैं यहाँ रख देता। सारे किए कराए पे पानी फेर दिया चोरी। हाँ फीस के पैसे जमा हो गए थे एन बखत पे इसकी खुददारी जागी। भाई को टेम है खुददारी जागने का? हाँ हमारी भी तो मती मारी गई थी, जो मैंने कह दिया ताव में आके कि मैं भूखी रह के भरपाई करूंगी पैसे की। रह भूखी अब, इससे काम चला। मासा दरवाजा खोलिए। अरे मर गई कलावत, जाओ कोई ना है। ऐसा मत बोलिए मासा, मरे आपके दुश्मन। देख छोरी, जो तू खाना लेके आई होगी ना, तो मैंने तो कसम खा ली है मैं खाना ना खाऊंगी। मासा मैं तो आपकी नाराजगी दूर करने आई हूँ। अरे पैसों का इंतजाम हो गया है। हाँ? इतने सारे पैसे? हाँ मासा, इन्हें मिलाकर मेरी एमबीए की पूरी फीस हो जाएगी। मासा अब आपका सपना पूरा होकर ही रहेगा। छोरी इतने सारे पैसे थारे पास कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं की या किसी से उधार तो ना ले लिया, मारी नाक तो ना कटवा दी? नहीं मासा, मुझे आपने ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है, ये तो मेरी मेहनत के पैसे हैं। आप ही कहती है ना मेहनत कभी विफल नहीं होती, तो देखिए मैं तो इन्हें छोड़कर आ गई थी, पर इन पैसों ने खुद ब खुद मेरी तरफ राह बना ही ली। और मासा ऐसा तो होना ही था, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे बारे में नहीं घर के भविष्य के बारे में सोचा। इतनी अच्छी और सच्ची सोच का तो समर्थन भगवान भी करेंगे ना। ये बात तूने 16 आने खरी कही है छोरी। सास बहू को पढ़ावे इस सोच को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए। के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली हमने, तू भी भूखी होगी, सब घर में भूखे होंगे। जा खाना लगा जल्दी से। है मेरा क्या, मैं तो रह लूंगी भूखी, पर सबकी सोचनी पड़े ना मुझे। सियावर रामचंद्र की जय। अरे जे देखो अभी तक इसके कपड़े ही सुखाए जा रहे हैं। अरे कॉलेज जाने में देरी नहीं हो रही और अभी तक तू तैयार भी ना हुई। वीर का नाश्ता बना दिया, बस उसे डब्बे में रखना जल्दी कर। हाँ हाँ करती हूँ। अरे भाभी लाइए। सॉरी सॉरी भाई गॉड विद्या के, मैं तो भाभी की मदद करने आई थी। देख मदद करनी है ना तो अपनी कर। अरे जे कैसी छोरी है, है? सबका काम बढ़ा देवे, घर में आधी से ज्यादा चीजें थारी वजह से टूटी हुई है। अरे मुंह क्या देख रही, जा उठा और साफ पानी में निकाल के सुखा। हाँ मासा। गंदे कपड़े। माँ पढ़ाई पे ध्यान रखना, टीचर से लड़ाई और मस्ती मत करना। ऑल द बेस्ट भाभी, भगवान करे आपको हर चीज में सक्सेस मिले। बस बस ज्ञान ना बगाड़, कॉलेज के लिए देरी हो रही, चल चल जल्दी कर लल्ली। अब क्यों रुक गई? अभी आई। अरे के भूल गई है छोरी, बताओ कॉलेज के लिए देरी हो रही है। धर तेरे की दही शक्कर, सवेरे से रसोई में धर रखी मैंने दही शक्कर थारे लिए, अब बताओ थारी देरी के चक्कर में भूल गए। ले ले जल्दी चकर, जल्दी कर, मुँह खोल मुँह खोल। खुश रहे छोरी और मारा घर भी खुशियों से भर दे। OMG भाभी साहब ये क्या, आप मेरी गुड विशेस लिए बिना ही चली जाएंगी? ऐसा हो सकता है? ऑल द वेरी बेस्ट।
ए छोरी, सारा सामान धर दिया ना, और डीडी हैं? हाँ, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ, ये जमाना बहुत खराब है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हम। किसी के अंदर तो झांक के नहीं देख सकते कि ये अच्छा है कि बुरा है। बस तू तो बस सीधे कॉलेज जाना, क्लास में मास्टर की बात सुनना और घर वापस आ जाना, और किसी पे भरोसा मत करना। अब भरोसा तो तू तब करेगी ना जब किसी से बातचीत करेगी या दोस्ती करेगी। ना छोरी ना, जे मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे तारे पे भरोसा ना है, जे मैं इसलिए कह रही हूँ कि तू बड़ी ना भोली है। हाँ, और जे दुनिया बड़ी खराब है। MBA करने जितने भी लोग आवेंगे ना, बड़े बड़े घर के लोग, कोई टाइम पास करने, कोई मौज मस्ती करने, थारा के काम है? थारा काम है, थारे जीवन का एक मकसद है MBA करना। जैसे अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख पे ध्यान रखा था ना, वैसे ही थारे को अपने मकसद पे ध्यान देना पड़ेगा। समझी छोरी? हाँ, शाबाश। जे तू 2 साल डट के मेहनत करेगी ना, तो वो कमला की छोरी है ना इंजीनियर, और वो लड्डा सिंह का छोरा मैनेजर, वो सब थारे आगे पानी भरेंगे और लोग बोलेंगे देखो जे जा रही है कलावती की MBA बहू। देख छोरी, मारे से एक वादा कर, जे पल्लू थारे सर से उतरना नहीं चाहिए, जे थारी सारी का पल्लू ना है, जे मारे घर की लाज है। अब देख, तुझे ही संभालना है, समझी छोरी? माँ साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शाबाश छोरी, जे हुई ना बात। कॉलेज से आगे ले जाएगा क्या रो? और कितने पैसे हुए? 40 रुपए हुए। 40? माँ साहब, आप अभी पैसे क्यों दे रहे हो? घर जाके दो ना। घर जाके? अरे छोरी, मैं इसमें थोड़ी जाऊंगी, मैं तो बस में जाऊंगी। बस में क्यों? देख छोरी, बिजनेस पढ़ने जा रही है, पते की बात सुन ले। अब तू कॉलेज में रहेगी, ब्यूटी पार्लर आधा समय बंद रहेगा, खर्चा बढ़ जाएगा और आमदनी होगी कम, तो बचत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे घुटनों में दर्द रह गए। कोई बात नहीं छोरी, थारी MBA के लिए घुटनों का दर्द भी सह लूंगी। जा, ध्यान से पढ़ना। नहीं, अरे देख, मीटर बढ़ रहा है, पैसे बढ़ रहे। आप ऑटो से ही जाओगे, अब बस से नहीं जाओगे। आपको मेरी कसम, मैं सब कुछ संभालूंगी, घर, ब्यूटी पार्लर, अपनी पढ़ाई, मैं सब संभालूंगी। और मैं तो बस से आना जाना कर सकती हूँ, पर आपको दर्द में नहीं दे सकती। और मासा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब नहीं। आपको मेरी कसम। तू कसम देके ना बस मारे को बस बांध ले वे। चल अच्छा, जा 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 छोरी, खूब ध्यान देना है, बस पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ हाँ, चल चल। एक सांस में, डुबकियों के बाद में, हर भंवर के पास किनारे, बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गरमा जी सारे साथ में, गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई दिन काले के हाथ में ढूंढ लेंगे। हे भगवान, मेरा साथ देना कि जो कुछ मासा ने मुझे सिखाया है, मैं वो सब कुछ अपने जीवन में उतार सकूं। हर पल मेरा मार्गदर्शन करना प्रभु। ओरे मन तू तो बावरा है। I'm really very sorry. दाई, हाथ दीजिए। तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो पर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, नैनों को बूंद बूंद, जो पर से सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं
चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। देखिए चला नहीं चाहता आपसे। Look, I'm really very sorry. ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। I'm sorry, but please अब आप शुरू मत हो जाना, क्योंकि मेरे घर में मॉम भी है, ताई जी भी है और चाची भी है। हमने पूछा क्या आपसे? आपने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा, लेकिन इस बात पे आप मुझे ताना मारने वाली थी। अरे वो होता है ना घिसी पिटी हिंदी पिक्चरों की तरह, हीरो और हीरोइन मिलते हैं और अचानक से टकरा जाते, और टकराने के बाद जब वो नीचे गिरते तो जो हीरोइन होती है वो हीरो को एक्यूज करती है कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुमने मुझे छेड़ दिया, तुम बदमाश हो। इन शॉर्ट अभी जो भी कुछ हुआ ना उसके लिए हम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते, क्योंकि आइडियली गलती हम दोनों की है। जी नहीं, गलती सिर्फ आप ही की थी, हमारी कोई गलती नहीं थी। रियली? मतलब गलती मेरी है? क्या हुआ? आराम से, रिलैक्स, आइए उठिए, हाथ दीजिए। कमाल है, गलती भी आपकी, ऊपर से आप एटीट्यूड भी मुझे दे रही है। कितनी सिंपल फोटो में भी कितना अच्छा लग रहा है। संजू, इसे इंप्रेस करने के लिए ना तुझे कोई धासूसी फोटो लगानी पड़ेगी। तब तक तो मैं इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकती, और वो भी इस गंदी सी फोटो के साथ। नेवर। सॉरी। बताओ, इसका भी कर दिया बंटा था। देख छोरी, तीन कांच की प्लेटें बची है रसोई में, लाओ ने भी लाओ, मार दे मारे सर पर, फिर कर लेना सफाई। सॉरी सॉरी की चाची। बाय गॉड विद्या के समा सर, उस संजू जीजी चिल्लाई थी इसलिए गिर गया। पर ओ गॉड संजू, ये तूने क्या कर दिया? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? जिसके साथ तुझे जन्म जन्म के रिश्ते बांधने थे उसके पास तूने आज मिले और कल मिलने वाली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। ओ माय गॉड, वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा कि लड़की कितनी एडवांस है, उस पे लाइन मार रही है लाइन। और अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? कुछ सोच संजू, कुछ सोच क्या करूं। हाँ फोन करती हूँ, पर किस पे? हाँ लाइन पे। इसका फोन आ गया। हेलो, घर के मालिक से बात कर रही है। उनसे कहिए कि घर के होने वाली मालकिन का फोन है। और अगर आप घर के होने वाली मालकिन है तब सीधे उनको फोन क्यों नहीं करती? तू भी गधी है संजना, अब तक तो इस बेवकूफ नौकर से बात करनी तुझे सीख लेनी चाहिए थी। सुनिए, ये मालकिन मालकिन वाली बात ना फॉरगेट कर दीजिए। उनसे कहिए कि उनके सबसे खास दोस्त का फोन है। ठीक है साहिल भैया, आपका फोन। मेरा फोन? हाँ, वो कह रही है कि आपके खास दोस्त हैं। खास दोस्त? हेलो, मैं छोरी, ये किससे मैं कर रही है? तो अब मैं मतलब मासा, मैं कुछ नहीं कर रही, वो तो रॉन्ग नंबर आया। रॉन्ग नंबर है? दे मारे को, मैं सही करती हूँ। हेलो, अब सुनिए, जे एमबीए की फीस यही जमा हो रही है? हाँ। चलिए जल्दी कीजिए, चलिए मैम, जल्दी। नाम बताइए मैम। अंजलि। मैम अपना नहीं, स्टूडेंट का नाम बताइए। कंचन। स्टूडेंट का नाम? सुमन रवि कुमार परमार।
आपका नाम? सुमन। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, क्यों? वो फॉर्म पे आपको फोटो नहीं लगी थी ना, तो इसलिए पूछ लिया। और ये आधे अधूरे फॉर्म में हम लेते नहीं है, इसको भर के लाइए पूरा। सॉरी, आपके पास वो फोटो चिपकाने वाला काम? कैसे स्टूडेंट हैं आप लोग, आपके पास ग्लू भी नहीं होता, पता नहीं क्या करेंगे। आप दोनों एक साथ ही हैं? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये और मैं साथ में? सर ये मेरा फॉर्म है और ये इस पे फोटो लगी हुई है, प्लीज इसलिए। आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। एक मिनट, मेरी शक्ल देखिए, मैं आपको पागल लगता हूँ? देखिए मैडम, अगर आप दुनिया से आगे चल रही हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी दुनिया आपका पीछा करेगी। सर देखिए, आप लोगों को जो भी करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास केवल 10 मिनट का टाइम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये फॉर्म आप लीजिए। देखिए, पहले तो आपने हमें वहाँ परेशान किया, अब परेशान करने यहाँ आ गए। सीरियसली मैडम, ये लाइन मेरी होनी चाहिए थी। वैसे छोड़िए सारी बातें, सर वो क्या ना कि कुछ लोग होते ही ऐसे जिन्हें अटेंशन की बहुत आदत होती है, तो मैम एक काम कीजिए, आप अटेंशन लीजिए, तब तक मैं फॉर्म भरवा लूं। सर क्या कहा आपने? वही जो सुन के वो हंस पड़े। सर सर ये फॉर्म देखिए, आप इनका फॉर्म नहीं ले सकते, पहले हम आए ना यहाँ पर, अब बाद में दीजिए। वो एक मिनट, क्यों नहीं ले सकते वो मेरा फॉर्म? एक काम कीजिए, आप मेरी कंप्लेंट कर दीजिए। वो देखिए वहाँ पर ना कंप्लेंट बॉक्स है, तो आप जाइए और कंप्लेंट कर दीजिए। और हाँ, ये पेन लेते हो जाइए जी। आप जैसे से बात करने फिजूल है, अब फॉर्म लीजिए हमारा। एक मिनट मैडम, यही राय मेरी बिल्कुल आपके लिए, पता नहीं कब से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अभी तक तो काम भी हो जाता। सर टाइम तो आपने वेस्ट किया है, और हम तो घर पहुंच जाते अब तक। जी, वैसे आपकी बातों से लगता नहीं कि कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा होगा, मतलब बात तो करना सीखिए, फॉर्म भरना है, पता नहीं कौन सा फॉर्म भरना है। अरे लीजिए, यू जाइए, बाद में आइए। अरे रुकिए भाई साहब, एक मिनट रुकिए। क्या है? आप मेरे डीडी लेके जा रहे हैं? हाँ डीडी। ये क्या डीडी रखने का जगह है क्या? क्या साहब, इस लड़की को मैं लीजिए, और 10 नंबर विंडो से जाके अपनी किताबें वगैरह ले सकते हैं। 10 नंबर? जब फॉर्म भरना ही नहीं था तो इतनी लड़ाई क्यों की? देखा आपने? सर, सर ये मेरा फॉर्म और सर ये मेरा डीडी। ये क्या किया आपने? इस डीडी में से पैसा पानी की तरह बह रहा है, और ये बहता हुआ पैसा हमारे किसी काम का नहीं है, इसे आप रखिए। सर आप मुझे सिर्फ 2 घंटे दीजिए, मैं आपको नया डीडी ला दूंगा, लेकिन सर प्लीज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो सर 10 मिनट में सारे एडमिशन काउंटर क्लोज होने वाले हैं। देखिए सर, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा, सर मेरे करियर का सवाल है सर, प्लीज सर। प्रिंसिपल साहब तो घर गए, और आज आखिरी दिन है एडमिशन का, अगर आपका एडमिशन आज नहीं हुआ तो आपकी सीट कैंसिल। सर लेकिन सर प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए सर, 2 घंटे, बस 2 घंटे में आ जाऊंगा सर। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और मेरा टाइम खत्म हो चुका है, जा रहा हूं। सर मेरी बात तो सुनिए सर। कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन? अरे थारी अम्मा बोल रही हूँ, कौन के चाचे? मैं शर्मिया थी, छोरियों के घर फोन करके उनका नाम पूछे। अरे अपनी माँ का नाम पूछ, बहन का नाम पूछ, और तेरे घर में कोई बुढ़ी दादी होगी ना तो उससे पूछ उसका नाम के। भारी छोरियों का नाम पूछना है ना तुझे। What? अरे भोट के चाचे, फोन से निकल कर ऐसा रेपटा धरूंगी कान पे, छोरियों का जो नाम पूछ रहा है ना, अपना नाम पूछता फिरेगा तू। पागल होगी क्या? मैंने कोई फोन नहीं किया। खास दोस्त, माय फुट। मारे को कलावती परमार को पागल कह रहा है और फोन काट दिया।
रुक, कौन सा बटन हो जो तुम्हारे चुप कर बढ़िया। अरे तू तो छोरों का नहीं पता, छोरियों के पीछे लग जावे ये डायल। हेलो, हारी हिम्मत कैसे हुई मारे को पागल कहने की और फोन काट दिया तूने? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अरे हेल बेल बाद में कर, कौन है तू? की माँ की दादी की बहन की फूफी। अरे बता दे अपने छोरे को, मारी छोरी को फोन करके परेशान कर रहा है। छोरे का लग खराब चल रहा है, उसने गलत नंबर पे रोंग नंबर मिला दिया है। पता है किसका नंबर मिलाया है? कलावती परमार का। याद रख इस नाम को तू। तुम सचमुच में पागल हो गई हो कलावती, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल रही हो। मैं सिंदूरा मित्तल बोल रही हूँ। कहाँ चली गई वो लड़की बोरी? बी ब्लॉक में लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, पता नहीं कहां चली गई।